नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज एमएस एक्सेल में बहुत ही काम के फॉर्मूले। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ शिवा कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हम कैसे एक्सेल में बिना समय गवाए टोटल करना, किसी चीज़ का भी टोटल करना और उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। आज मैं आपको दो चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही एक शीट तैयार करके रखी हुई है एक्सेल फार्मूलास। इसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मैंने दो सब्जेक्ट लिए हैं बस, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद में टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। अभी आप देख सकते हैं मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इनमें शिवा, रिंकू, शिखर, हरीश और गणेश का नाम लिखा हुआ है। अब मैंने सभी स्टूडेंट को कुछ मार्क्स दे रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं शिवा को मैंने हिंदी में 75, इंग्लिश में 60 नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद में इनका टोटल किया है, फिर इनका परसेंटेज निकाला है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ टोटल कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसके लिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने बाकी सभी जगह फॉर्मूले लगा के रखे हुए हैं, केवल एक जगह का डिलीट करके और मैं आपको दिखाता हूँ फिर कैसे हम इसके लिए कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बराबर का निशान लगाऊंगा, उसके बाद में सम करूँगा, सम, उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद में अपनी सेल रेंज देंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम रिंकू के मार्क्स देख रहे हैं, तो रिंकू के हिंदी में 63, इंग्लिश में 89 मार्क्स हैं। तो हम इनको सेल रेंज देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल 63। आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली ले रखा है C6। देखिए सी नंबर कॉलम में, 6 नंबर रो में इसका मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली ले रखा है। उसके बाद में यहाँ पे हम ये सेमी कॉलम लगाएंगे, फिर हम दूसरे जितने भी हमें सब्जेक्ट का टोटल करना है उनका रेंज देंगे। तो जैसे अभी हमें सिंपल दो सब्जेक्ट का करना है, तो अभी हिंदी में 63 ये सी में है और इसके इंग्लिश के मार्क्स डी कॉलम में है, रो सेम है D6, तो ये हो जाएगा सिंपल D6। और हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद में इंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके मार्क्स का टोटल हो चुका है। इसी तरह से हम सब में कर सकते हैं, हमें सब में करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम केवल एक को करेंगे, उसके बाद में इसके लिए हम कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके हम इसमें पेस्ट कर देंगे तो हमारा दोनों में हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप इनकी परसेंटेज भी जीरो हो चुकी है क्योंकि अभी इनका कोई भी टोटल नहीं है, मैंने परसेंटेज में भी पहले से ही फॉर्मूले लगा कर रखा हुआ है। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसके लिए हमें कॉपी करना है, ये देखिए इसको हम करेंगे कॉपी, यहाँ से कॉपी और इस कॉलम में कर देंगे पेस्ट इसमें, या फिर हमें जितने भी कॉलम में पेस्ट करना है जिनका भी टोटल निकालना है सभी में अलग अलग फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल एक में फॉर्मूले लगाएंगे फिर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मैंने कॉपी कर चुका हूँ, अब मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए इनका टोटल अभी अपने आप ही आ गया और इनका परसेंटेज भी आ चुकी है। अभी मैं आपको एक की परसेंटेज भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने टोटल दे रखा है इसका E5 पे और इसके टोटल 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो अभी हम इसको फॉर्मूले को डिलीट कर देते हैं, फिर हम दोबारा से लगा के दिखाएंगे आपके लिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आपके बहुत काम की चीज़ है, छोटा सा फॉर्मूला है और बहुत काम की चीज़ है। तो हमारा टोटल मार्क्स किसका है, कितने में है, E5। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, E5 करेंगे यहाँ पे ये, उसके बाद में हमारे कितने से हमें कितने सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है, हमारे दो सब्जेक्ट हैं ओनली, हिंदी और इंग्लिश। तो हम यहाँ पे डिवाइडेड का लगाएंगे और 2 कर देंगे,
फिर इसको हम ब्रैकेट ओपन क्लोज। ये देखिए इंटर करेंगे, ओ कुछ गड़बड़ हो रखा है इसमें, मैं इसको चेक करता हूँ। सेट, देखिए दोस्तों मैं अभी थोड़ी सी गलती कर रहा था, ब्रैकेट को हमें पहले लगाना होगा जिस तरह से इसमें किया हुआ है। ये देखिए सिंपल हमने इजिकल टू का साइन लगा लिया ब्रैकेट, फिर हमें E5 लेना है, यहाँ पर क्लिक करके भी ले सकते हैं और आप अपने मैनुअली भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद में हम सीधे इसको इंटर करेंगे तो आप देखेंगे 67.5% इसकी परसेंटेज निकल चुकी है। ऐसे ही हम इसको कॉपी करके इन सभी में डाल सकते हैं, लेकिन कॉपी करना तो मैंने आपको बता दिया है तो मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता। तो दोस्तों कितने भी सब्जेक्ट हों आप इनमें एक साथ एक बार फॉर्मूला लगा के बहुत जल्दी से आप इस ट्रिक्स की मदद से टोटल और परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी बस ये दो। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है घंटी वाला उसको भी दबाइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।